आज हम इस वीडियो में लॉजिक एड्स के बारे में बात करेंगे और ये सीखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं लॉजिक एड्स पर। लॉजिक एड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि बाइनरी कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करनी है। बाइनरी डिजिट्स तो हम सब जानते हैं कि वो है 0 और 1, इन पे ही कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है। 0 का मतलब होता है लो वैल्यू ऑफ फॉल्स और 1 का मतलब होता है हाई वैल्यू ऑन और ट्रू। बेसिकली जो पर्पस होता है गेट्स का वो ये होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करवाना है कि नहीं करवाना। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट इसीलिए हैं कि अगर पास नहीं करवाना तो 0 आएगा, अगर पास करवाना है तो 1 आएगा। इस तरीके से कुछ 6 कॉमन लॉजिक गेट्स हैं जिनमें से 3 बेसिक हैं और बाकी उनमें से बनाए गए हैं। जो लॉजिक गेट्स हैं उनको हम लॉजिक फंक्शंस भी कहते हैं बुलियन अलजेब्रा में, जैसे कि एंड, और, नॉट, नेट, नॉर, एक्सोर एंड एक्सनोर, और उनकी बुलियन नोटेशंस भी होती हैं। एंड की नोटेशन ये है कि हम डॉट लगाते हैं जो भी इनपुट हमने देना है, जैसे ए और बी इनपुट है तो डॉट उनके दरमियान में है, और है तो उसके दरमियान में प्लस आएगा, नॉट है तो उसके ऊपर बार आएगा, मतलब ए नॉट ए बार। अगर नेंड है तो नेंड जो है वो एंड का अपोजिट है, मतलब कि ए डॉट बी बार, मतलब कि एंड के साथ नॉट को प्लस कर दिया गया है तो नेंड बना है। उसके बाद नॉर है, नॉर में भी सिमिलर, नॉट जो है वो और पर लगा दिया गया है तो नॉर बना है, और वो भी ए प्लस बी और उसके ऊपर बार है। एक्सोर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, या फिर हम उसको ऐसे भी सिंबल लिख सकते हैं। एक्सनोर जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, या हम उसको एक्सोर का बार भी कह सकते हैं, मतलब कि एक्सोर का अपोजिट। ये जो है सिंपल मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, उनकी मदद से हम अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे किस तरीके से। अब जो ये नॉट गेट है, नॉट गेट में क्या होता है कि उसकी सिंबल होती है, उसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, उसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं, मतलब कि वो अपनी बाइनरी स्टेट को अपोजिट कर देता है। जैसे कि ए है हमारे पास इनपुट, अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट 0 आएगा, और इसकी सिंबल ये होती है कि जो हमारे पास इनपुट है उसके ऊपर बार आ जाएगा, मतलब उसका अपोजिट। एंड गेट की अगर हम बात करें तो इसमें 2 इनपुट होते हैं और पॉसिबिलिटीज इनपुट की 4 हो सकती हैं, और जो एंड है वो है एक इनपुट को दूसरे इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करना। अब जब हम एक इनपुट को दूसरे इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा, 0 1 के साथ होगा तब भी 0 आएगा, 1 0 के साथ होगा तब भी 0 आएगा, और 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये इसकी ट्रुथ टेबल बनती है। अब अगर हम नेंड गेट की बात करें, क्योंकि नेंड गेट जो है वो अपोजिट है एंड का, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है ए डॉट बी बार। हम अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा, पर अपोजिट उसका क्या होता है 1। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आंसर आएगा, पर अपोजिट है 1। 1 को 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, पर अपोजिट 1 है, और लास्ट में 1 को 1 के साथ करेंगे 1 आंसर आएगा, पर उसका अपोजिट जो है 0 है। तो इसीलिए ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनेगी, क्योंकि नेंड एंड का अपोजिट है, या फिर हम कह सकते हैं रिवर्स है। अब अगर हम और गेट की बात करें, और गेट में क्या करते हैं कि जो 2 इनपुट होते हैं उनको आपस में प्लस कर देते हैं। यहाँ पर जो है 0 प्लस 0 0 आंसर आएगा, 0 प्लस 1 1 आंसर आएगा, 1 प्लस 0 1 आंसर आएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 जो है वो लॉजिकली या फिर हम मैथमेटिकली कहें तो 2 आंसर आता है 1 प्लस 1 का, पर हमें पता है कि जो 1 प्लस 1 है उसका 2 आंसर बूलियन अलजेब्रा पे नहीं आ सकता, क्योंकि बाइनरी में 2 कोई नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए हम उसको 1 ही रखेंगे। अब नॉर गेट की बात करें, मतलब कि और को उल्टा किया गया है और उसमें भी ए प्लस बी और बार लगाया गया है। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसको इस तरीके से देखेंगे कि 0 प्लस 0 0 आता है, पर उसका जो इन्वर्टर है अपोजिट है वो 1 आ जाता है। 0 प्लस 1 जो है वो भी 1 आता है पर अपोजिट है 0 आ जाता है। 1 प्लस 0 1 आता है पर अपोजिट 0 आ जाता है। 1 प्लस 1 1 आएगा, हमने पहले ही सीखा, पर यहाँ पर उसका इन्वर्टर है तो 0 आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं एक्सोर गेट की, जिसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि ए डॉट बी नॉट प्लस ए नॉट डॉट बी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, बी नॉट और ए नॉट फाइंड करना है। तो यहाँ से ए है तो उसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास ए नॉट आ जाएगा, और बी है उसका उल्टा कर देंगे तो बी नॉट आ जाएगा। 0 की जगह 1 1 की जगह 0। ओके, अब हमें क्या करना है, ए के साथ बी नॉट को मल्टीप्लाई करना है। तो ए के साथ जब बी नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हमारा 0, बी नॉट है 1, तो 0 1 0 0 0 0 1 1 1, तो यहाँ पर 1 आएगा और बाकी 1 0 0। अब हम क्या करते हैं, ए नॉट को बी के साथ
मल्टीप्लाई करते हैं। जब ए नॉट को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए नॉट है 1, 1 इंटू 0, 0, 1 इंटू 1, 1, 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू 1, 0। ओके, ये आ चुका है। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है। 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 1, 1 यहाँ पर आ गया, 1 प्लस 0, 1 और 0 प्लस 0, 0। इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। अब एक्स नॉर गेट की बात करते हैं। तो एक्स नॉर गेट में हमारे पास जो है इक्वेशन इस तरीके से है कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, फिर प्लस कर देंगे ए नॉट मल्टीप्लाई बी नॉट के साथ। तो सबसे पहले हमें ए डॉट बी फाइंड करना है। तो ए को बी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0, 0 आएगा, 0 इंटू 1, 0 आएगा, 1 इंटू 0, 0 आएगा और 1 इंटू 1, 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ए नॉट और बी नॉट फाइंड करेंगे। ए नॉट जो है वो ए को उल्टा कर देंगे 0 को 1, 1 को 0 कर देंगे, और बी नॉट जो है वो बी को उल्टा कर देंगे 0 को 1, 1 को 0 कर देंगे। अब हमारे पास ये ए नॉट और बी नॉट आ चुका है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए नॉट को बी नॉट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू 0, 0, 0 इंटू 1, 0, 0 इंटू 0, 0। अब हम क्या करेंगे, ए डॉट बी और ए बार डॉट बी बार को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 0 प्लस 1, 1 आंसर आएगा, 0 प्लस 0, 0 आंसर आएगा, 0 प्लस 0, 0 आंसर आएगा और 1 प्लस 0, 1 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम एक्स नॉर गेट फाइंड करते हैं। अब ये सारी टेबल्स आ चुकी हैं हमारे पास, ट्रुथ टेबल्स, आउटपुट सारे आ चुके हैं, एंड के, नैंड के, और के सारे हमारे पास आ चुके हैं। हम सब की टेबल्स भी बना सकते हैं अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है तो। अब हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग गेट्स के बारे में बात करते हैं और सर्किट्स को बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट है छोटा, जिसमें ऊपर एंड है, उसके बाद नॉट है और नीचे एक्सोर है। तो इनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्सोर को फाइंड करते हैं, वो क्या है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका नॉट लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एंड कर देंगे ए के साथ। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी टेबल्स भी आ चुकी हैं, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, हम खुद भी जो है कर सकते हैं, पीछे हम सीख के आए हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना होगा कि हम किस तरीके से आउटपुट निकालेंगे। एक आउटपुट निकालेंगे, इनपुट ए इनपुट बी को एक्सोर करेंगे तो आउटपुट 2 आएगा, और जो आउटपुट 2 आएगा उसको हम नॉट करेंगे और ए के साथ मिलाएंगे और उन दोनों का एंड करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं भी सॉल्व होता तो वो भी बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन को डिटेल में सीखें। थैंक यू वेरी मच।